नहीं बेटा, टुडे वी विल डिस्कस मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न और कंटेम्परेरी व्यू। मीन्स के असी जड़े है गया आज जड़ा है वा मॉडर्न मॉडर्न और ज कंटेम्परेरी, यानी कि इन्होंने मॉडर्न कह सकते हैं, कंटेम्परेरी भी व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग वेखांगे कि इसका जड़ा है वा डेफिनेशन की ने एंड इसका स्कोप की है। ठीक है, इसका जड़ा है कि इस अकॉर्डिंग स्कोप आ इस जी है इसकी स्टार्टिंग जी है आप शॉर्ट क्वेश्चन तो करा इन्ना लेंथ ही नहीं लिखने की जरूरत नहीं हैगी। ठीक है, कि तीन चार लाइनों के इसकी स्टार्टिंग वगैरह एंड टू डेफिनेशन कैसे करा देखते हैं। यस बेटा, तुसीं स्टार्टिंग जी है इस दे अकॉर्डिंग करनी है, दैन आफ्टर मैं तुहानू बाद विच नोट्स भी सेंड कर दांगी। ठीक है, वन बाई करके ते नोट्स फस्ट चैप्टर के नोट्स सेंड हो जाएंगे। की आ फस्ट स्टार्टिंग की है, द सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न व्यू ऑफ पोलिटिकल साइंस रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट एज अ डेड पोलिटिकल साइंस एंड द लीड एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ द एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गनाइजेशंस। मीन्स टू से दैट कि जो मॉडर्न व्यू पॉइंट वाले आ वह पुरानी जी विचारधारा वा ट्रडिशनल व्यू पॉइंट आ उसनों डेड पोलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, कि इस पोलिटिकल साइंस जी है पुरानी विचारधारा के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, तो वह किस पर जोर देंगे ह्यूमन बिहेवियर से, कि जेकड़ा जिनी भी पॉलिटिक्स वा वह सारी जी ह्यूमन बिहेवियर के आले दुआले घूमती है। इस तो अलावा जिवें जी है सी जोड़े पुराने से ट्रडिशनल व्यू पॉइंट्स वाले से वह फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा जोर देंगे जिमें गवर्नमेंट स्टेट्स वगैरह, बट ये इनफॉर्मल ऑर्गनाइजेशन पर भी जोर देंगे। ठीक है, वह हूँ किस गल पर जोर देंगे कि कहें पोलिटिकल साइंस में, अकॉर्डिंग टू द सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न व्यू पॉइंट पोलिटिकल की आ एज एन एक्टिविटी विच इनकलूड द स्ट्रगल फॉर पावर यूज ऑफ इन्फ्लुएंस अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यू एटसैक्ट्रा। मीनस टू से कि जोड़े है नवे मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले आ कहते हैं कि पॉलिटिक्स की है एक्चुअली की है स्ट्रगल फॉर पावर आ यूज ऑफ इन्फ्लुएंस आ कि सारी जी राजनीति आक्ति लड़ते हैं संघर्ष लड़ते हैं कि हाँ भी मैनू वो तो पावरस वगैरह मिल जिन्या पॉलिटिक्स पार्टी आ जिनी भी राजनीति आ किस नहीं होंद आ पावरस न गेन करने वास्ते। ठीक है, द टोटल एनवायरमेंट अराउंड इनविजुअल इज द पोलिटिकल एंड द कैन नॉट एस्केप पॉलिटिक्स इवन इफ द डज नॉट लाइक इट। द सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न व्यू पॉइंट इनकलूड ऑल एक्टिविटीज विच आर पोलिटिकल इन नेचर इन स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स साइंस। मीन्स टू से कि जड़ा भी सारी जिनी आले दुआला वा इनवायरमेंट आ वह पॉलिटिक्स के आले दुआले ही घूमती है, भावें कोई इंसान पॉलिटिक्स नूं पसंद करता है या नहीं करता है, इंट्रस्ट रखता या नहीं रखता, बट पॉलिटिक्स उस विच इंट्रस्ट रखती हैगी आ, तो कोई भी पॉलिटिक्स तो जिहड़ा गा वा बिना नहीं रह सकता। फिर दैन रिपीट कर देनी हैगी बेटा कि जिहड़े मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले आ वह पुरानी पॉलिटिक्स नूं ट्रडिशनल व्यू पॉइंट्स नूं डेड पॉलिटिक्स कहिंदे हैगे आ, तो वह किस चीज़ पर जोर देंदे आ कि जिहड़ी आ जिन्नी भी पॉलिटिकल आ वह ह्यूमन बिहेवियर के आले दुआले घूमती आ, तो सारी पॉलिटिक्स किस चीज़ लिया स्ट्रगल फॉर पावर ले, तो कहता है कि भावें इंसान पॉलिटिक्स विच इंट्रस्ट रखे ना रखे बट पॉलिटिक्स जी है इंसाना विच इंट्रस्ट रखती है। तुसी इस तरह की स्टार्टिंग कर सकते हो, दैन आफ्टर तुसी दो डेफिनेशन लिख सकते हो कैसे हैं, दैन तुसी डेफिनेशन लिखनी है लास्ट वेल के अकॉर्डिंग, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। लास्टवेल कहता है कि पॉलिटिक्स की आ कि अपनी जी है पावरस न मैक्सीमम हासिल करना, ठीक है, जो शेयरिंग वगैरह करना। डेविड ईस्टन कह दिता पोलिटिकल साइंस इज द अथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, कि पोलिटिकल साइंस की आ कि मैक्सीमम जी अपन पावरस गेन करना जिस नोकों पर अपना प्रभाव वा सके। द रॉबसन कहता है द फोकस ऑफ इंट्रस्ट ऑफ पोलिटिकल साइंस इज क्लीयर एंड द अनबिगस इट सेंटर ऑन द स्ट्रगल टू गेन द रिटेन पावर टू एक्साइज द पावर ऑन इन्फ्लुएंस। रॉबसन कहता है कि मतलब उसका मेन पॉलिटिक्स कहता वा कि मैक्सीम पावर हासिल करनी आ, इसलिए वो तो कोशिश कर रहा कि मेरे को पावर बनी रहे मैं उसनों लागू करा, तो इस तो होर भी ज़्यादा जी है पावर जी गेन जी है मेरे को परमानेंट ही रहे, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन लड़दियाँ तो किस चीज़ लड़दियाँ,
इसीलिए ना कि मेरे को मैक्सिमम पावर्स बनी रहे। तुसी वैसे दो डेफिनेशंस वगैरह लिख सकते हो। पहला तुसी हैडिंग लिखोगे, ठीक है, मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ द पॉलिटिक्स, दैन आफ्टर ओह इंट्रोडक्शन वगैरह, इंट्रोडक्शन जैसे तुसी आ सेम टू सेम जिहड़ियां गया लाइन लिख सकते हो, एक दो जिहड़ियां गया मिस कर सकते हो, बट स्टार्टिंग दो तीन लाइन जरूर लिखोगे। दैन आफ्टर तुसी जिहड़ियां गया इस दीआं दो डेफिनेशन बड़ी सारी लिख सके कि हाँ कि डेफिनेशन ऑफ द मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स पोलीटिकल साइंस, दो डेफिनेशन इनकलूड कर सकते हो। इस तो बाद फिर टाइटल दोगे तुसी, ठीक है, सेंटर में टाइटल लिखोगे करैक्टर्स ऑफ द नेचर ऑफ पोलीटिकल साइंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू पॉइंट। इस तरह चार नहीं बेटा 14-15 पॉइंट्स लिखोगे, बट तुसी इस तरह का हैडिंग वगैरह पाओगे। तुहानू मैं बार बार कह रही हूँ, तुहानू नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देवांगे इस दे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से दा बिहेवियरल स्टडी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू पॉइंट्स एंड इंडिविजुअल इज द सेंटर टू ऑल द पोलिटिकल एक्टिविटीज एंड विदाउट मेकिंग द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर वी कैन नॉट ड्रा करैक्ट कंक्लूजन। मतलब कि जो मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले आ कहते जिनी भी पॉलिटिक्स आ ह्यूमन के बिहेवियर के आले दुआले ही घूमती है, विदाउट ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कितिया असी कोई भी सही रिजल्ट वगैरह नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लगा लेने, जिमें हुण पंजाब च इलैक्शन हुई सी, तो यह नहीं कि कोई पार्टी बहुत पुरानी है, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी, बीजेपी बहुत पुरानी है, ज अकाली बहुत पुरानी है। लोगों ने मीडिया ने स्टडी किया ह्यूमन बिहेवियर न कि ह्यूमनस की इस बारी चाहते हैं, तो उन्होंने पहला ही रिजल्ट कर दिता कि हाँ पंजाब विच आप पार्टी सरकार आएगी। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर नू स्टडी करके ही असी सही करैक्ट कंकलूजन कढ सकते हैं, ठीक है। दो तीन लाइनों तो ज़्यादा लिखने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होंगी। दैन है एम्पेरिकल स्टडी, द मॉडर्न थिंकर हैव लेट स्ट्रेस ऑन द एम्पेरिकल स्टडी ऑफ पोलिटिकल साइंस सो दैट द इशू आर अंडरस्टूड इन प्रोपर प्रोस्पेक्टिव एंड करैक्ट रिजल्ट आर ड्रॉन। जेडे मॉडर्न व्यू पॉइंट वाले आ पोलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल समझिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स की ने, कड़िया प्रॉब्लम्स ने, तो उन्होंने अकॉर्डिंग ही असी रिजल्ट बना सकते हैं, उन्होंने अकॉर्डिंग असी जड़ियाँ पॉलिसिस वगैरह लैके आ सकते हैं, सही प्रोस्पेक्टिव वगैरह बना सकते हैं। जिमें इस बार स्टडी की तीस कि हाँ नशा जड़ा वा पंजाब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कोई धर्म का मुद्दा नहीं सी, कोई ज़्यादा आर्थिक मुद्दा नहीं सी, बट नशे का मुद्दा से, ठीक है ना। तो उस चीज़ को प्रैक्टिकल स्टडी किया, दैन प्रोस्पेक्टिव बनाया, फिर उस चीज़ का रिजल्ट कर दिया। नेक्स्ट है वैल्यू फ्री स्टडी, द मॉडर्न व्यू पॉइंट्स इज वैल्यू फ्री आर सो द मॉडर्न थिंकर आर ऑफ द ओपिनियन दैट द पॉलिटिकल साइंस शुड बी कंसर्न्ड विद द प्योर फैक्ट्स एंड द प्री डिटरमाइंड वैल्यू शुड बी इग्नोर्ड। जेडे मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले आ वैल्यू फ्री स्टडी पर जोर देंगे। वैल्यू फ्री स्टडी का मतलब है बेटा कि वह पुरानिया जड़िया गया जो पॉलिटिक्स दिया रीति रिवाज वा उन्होंने जोर नहीं देंगे। जिमें कह देंगे कि हाँ अपना डेमोक्रेसी सिस्टम सही है, जहाँ सारे वोट का अधिकार मिल रहा है, बट प्रैक्टिकल देखते हैं कि सचमुच ही लोग सही तरह वोट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। वाकई ही लोगों अजे भी जिहड़ी है मकान की रोटी कपड़ा की जरूरत वा, जां अज लोगों मेडिकल फैसिलिटीज़ या एजुकेशन चीज़ा या स्वस्थ जिहड़ा गा वा सोसाइटी उस चीज़ की जरूरत वा, कि पुरानिया जिहड़ियां वैल्यूज़ वगैरह उन्होंने लैके नहीं प्रैक्टिकल चीज़ों लैके उस चीज़ में स्टडी वगैरह करते हैं। बियर फैक्ट्स कि हुण लोगों की डिमांड्स आ उस चीज़ पर जोर देंगे। दैन है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, मॉडर्न थिंकर हैव लेड एम्फेसिस ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी अकॉर्डिंग टू दैम नो सब्जेक्ट कैन बी स्टडी इन द आइसोलेशन देयरफॉर द स्टडी ऑफ द अदर सब्जेक्ट आल्सो एसेंशियल। जेडे मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले वो कहें कि जस्ट जो असी पोलीटिकल साइंस को समझते हैं, किसी भी मान लो अकाली दल समझना, आ पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो जस्ट असी उसका राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ांगे, पोलिटिकल हिस्टरी नहीं पढ़ांगे, असी बाकी फैक्ट्स वेखांगे कि उसका समाजिक सोसाइटी वगैरह हिस्टोरिकल स्टडी की सी, रिलीजन स्टडी की सी, ठीक है, इकनोमिकल स्टडी की सी, इन सारिया चीज़ों में वेखांगे, दैन आफ्टर असी जिहड़ी हैगी आ सही कंकलूजन ते पहुँचांगे कि वाकई ये पार्टी क्यों होंद विच आई ते क्यों बरकरार है। जिवें आपां एग्जाम्पल ला लो अकाली पार्टी आ, अकाली पार्टी जस्ट असी राजनीति के तौर नहीं समझ सकते, असी ये भी वेखांगे वाकई उस दे पिछे
धर्म का मेन काम से कि वह लोग सोचते हैं कि इस धर्म की सिख धर्म की रक्षा करने वास्ते आई हुई है तो लोग उसके नाल ज़्यादा बजे से यानी पोलिटिकल साइंस को समझने असानू बाकी सबजैक्ट भी सोशियोलॉजी इकनोमिक्स हिस्टरी सारे सबजैक्ट को स्टडी करना पवेगा। ये हो गए 4 पॉइंट। नैक्सट पॉइंट करा आप यस बेटा 4 पॉइंट्स हो चुके हैं आप जो तुम क्या जस्ट उन्निया ही लाइन लिखने की जरूरत है ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नैक्सट अपना 5th पॉइंट्स आ गया। 5th पॉइंट है साइंटिफिक स्टडी थाउ द पोलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस भावें जी सा पोलिटिकल साइंस है एक सोशल साइंस है यट द सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न वी पॉइंट पोलिटिकल साइंस आर द ओपीनियन दैट द साइंटिफिक मैथड शुड बी यूज के जोड़े मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले आ केंद्र कि सानू जी है अपनी पॉलिटिक्स में समझने वास्ते साइंटिफिक मैथड अपनाने चाहिए आ कि एग्जाम्पल तौर पर फिर मैं तुम दस दी हाँ कि जैमें एग्जाम्पल होंगे कि हाँ भी अकाल कांग्रेस पार्टी क्यों होंद आई अकाली पार्टी क्यों फेल हुई वह किड़े किड़े रीजन से जिन्हों के करके जी है अकाली पार्टी फेल हुई आ कांग्रेस पार्टी फेल हुई आ आ पार्टी होंद आई आ जेकर आ पार्टी भी वह जे काम नहीं करेगी मतलब जो उन्होंने वादे किए जस्ट एक फेक एक वादे करके बैठी हुई है तो फिर लोग उसनों भी बदल देंगे। ठीक है जिमें साइंस में कोई भी चीज़ में आप प्रूफ करने वास्ते सूँ प्रूव करने वास्ते सूँ प्रूफ चाहिए ने सबूत चाहिए ने फिर असं उसके सिट्टे करते हैं। इस तरह ही हिंसा जी है पॉलिटिक्स में भी पुरानिया सारिया जी स्टडी की जाती है कि गलों तो लोग प्रभावित होंगे कैवें वोटा पाते हैं तो लोगों का बिहेवियर कैवें चेंज होंदा है। इसलिए बेटा कि मैथड अपनाते हैं की अपनाते हैं कि जेडे पोलीटल मॉडर्न पोलीटल थिंकर आर द ओपीनियन दैट द टूल्स एंड टैक्नीक्स कैन बी बोरड फ्रॉम द फिजिकल साइंटिस्ट विद द हैल्प ऑफ द टेबल्स ग्राफ डायग्राम वह सारे पुराने रिजल्ट वगैरह वेखते हैं टेबल्स बनाते ग्राफ बनाते हैं डायग्राम्स बनाते हैं स्टडी करते हैं उतों के पिंड के लोगों की कि वाकई लोग जेगी किस पार्टी झुकाव आ हूँ क्यों हो रहा कि रीजन ने तो उस हिसाब न सिट्टा करते हैं कि हाँ भी आह चीज़ा की सूँ जरूरत है तो असं हूँ आह चीज़ा के लोगों को प्रोमिस वगैरह करिए फिर उस चीज़ का जोड़ा रिजल्ट निकलता है क्योंकि जिमें अपने पंजाब आ पार्टी आई है तो असी टेबल्स ग्राफ्स डायग्राम्स अं कितों ले आप दिल्ली की पार्टी तो दिल्ली की सरकार तो ले कि वाकई जो उत्थे सही काम किया तो पंजाब करेगी बट इनकेस उन्होंने जेकर सही नहीं किया तो आने वाले समय के होएगा वह भी पार्टी बदली जाएगी। नैक्सट है एनालिटिकल स्टडी द मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पोलीटिकल साइंस कैन बी कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी वाई क्यों क्यों किया जाता है थाउ दिस मैथड ऑल द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ पोलीटिकल साइंस आर नॉट ओनली एक्सप्लेन रैदर दिस द एनालाइज एंड एवेल्यूएटेड कि जी मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले कल जस्ट भी वादे नहीं करती हैगी मतलब ये नहीं देखती कि जस्ट हाँ भी जमें एग्जाम्पल आ कांग्रेस पार्टी की सरकार से कह दिता कि हाँ तुम फोन देवे नौकरियां देवे ज कुछ भी आवें खबरों के आ जाता न्यूज़ चैनल ज्यादा एवेल्यूएशन भी करती आ कि वाकई जिन्ना उन्होंने वादे किए वह कुछ होया एवेल्यूएशन जिमें बच्चों मतलब कि पहला सारा साल स्टडी करवाई जाती हैगी दैन उन्होंने एग्जाम लाए जाते हैं कि वाकई जो कुछ उन्होंने पढ़ाया से उन्होंने कुछ पल्ले पिया तो एवेल्यूएशन हो जाएगी कि वाकई जो उन्होंने पेपर से लिखणगे तो हाँ कि उन्होंने कुछ पल्ले पिया। ठीक है इस तरह पोलिटिकल साइंस में होंगे वा कि सारी चीज़ों की एवेल्यूएशन भी की जाती है वो कि हिसाब ना मॉडर्न व्यू पॉइंट्स नाल। नैक्सट है सिस्टम ओरिएंटेड स्टडी सिस्टम ओरिएंटेड स्टडी की है द सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न व्यू पॉइंट्स हैव मेड यूज ऑफ द वर्ल्ड पोलिटिकल सिस्टम इन द प्लेस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू दैम पोलिटिकल सिस्टम इज मेड ऑफ द वेरियस सब सिस्टम एंड दी आर द इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर सिस्टम ओरिएंटेड स्टडी कि जेडे सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले आ कहते कि जी पॉलिटिक्स आ कल्ली स्टेट बारे स्टडी नहीं करती हैगी कि राज की है सरकार की है कार्यपालिका विधानपालिका की है। ठीक है यही नहीं कर रही सगों के इन्हों का आपस में इंटरडिपेंडेंट रिलेशन की है तो कैवें काम करते हैं ह्यूमन का राज संबंध की है तो वह ह्यूमन जोड़ा है वा ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर राज को कैसे प्रभावित करता सरकार को कैसे प्रभावित करता सरकार की पॉलिसीज जड़ी वा ह्यूमन बिहेवियर को कैसे प्रभावित कर दें यह सारा कुछ इस विच आया जाता है वा इस विच ये भी चीज़ कही जाती है कि
नैक्सट पॉइंट इट इज कॉल्ड सिस्टम ओरिएंटेड स्टडी, मतलब सारी चीज़ को ओरिएंटेड स्टडी किया जाता है वा। नैक्सट हैगा यूज ऑफ न्यू टर्मोलॉजी एंड न्यू कंसैप्ट। बेटा टर्मोलॉजी का मतलब होता है कि नवी शब्दावली का वरतों करनी, ठीक है। की है के द सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न व्यू पॉइंट्स ऑफ पोलिटिकल साइंस हैव नॉट ओनली ब्रॉट चेंज इन द मैथड ऑफ स्टडी। मैथड ऑफ स्टडी में पिछले पढ़िया सी कि एनालिटिकल स्टडी यूज कर रही है, साइंटिफिक स्टडी यूज कर रही है। रैदर दे हैव आल्सो इंक्लूड द न्यू टर्मोलॉजी एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ द पोलिटिकल साइंस। हाउ कि जी के सपोर्टर जी होते मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले आ, जस्ट ए नहीं आ कि मैथड ऑफ स्टडी जी है उन्होंने चेंज की है, जस्ट टर्मोलॉजी तो न्यू कंसैप्ट लिया कैमें, क्योंकि हूँ जो आप पोलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उस नवे नवे वर्ड्स आ चुके हैं, जिमें पोलिटिकल सोशलाइजेशन की है, पोलिटिकल डेवलपमेंट की आ, कम्युनिकेशन की आ, पावर इन्फ्लुएंस अथॉरिटी लैसटीमेसी इनपुट आउटपुट, ये नवे वर्ड्स आए हुए हैं। ये 21 सेंचुरी में ही पोलिटिकल साइंस में ऐड हुए हैं। पहला जिहड़ी हैगी सी ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स में इन्हां दा वर्ड्स का कोई नामो निशान नहीं सी, ठीक है। इस तरह जिहड़ी हैगी है इन नवी वर्ड्स यूज कर रही है, यूज ऑफ द न्यू टर्मोलॉजी। कि वर्ड्स तुम दो चार लिख सकते हो, पोलिटिकल कम्युनिकेशन हो गया, पावर इन्फ्लुएंस अथॉरिटी, ठीक है, कुछ भी इनपुट आउटपुट वगैरह। नैक्सट हैगा क्रेडो ऑफ रेलिवेंसी। Credo of relevance, the traditional viewpoints of the study of political science mainly concerned with the theoretical study of the state government and the formal institution related to this. But such a study had nothing to do with the rigorous realities of the social and political life. Because of the reason, the traditional viewpoints of political science has failed to solve the actual social and political problems. ठीक है, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस की आ कि जी ट्रडिशनल व्यू पॉइंट से ही उन्हों की जस्ट एक थ्यूरी रिलेटड से कि राज योजा होना चाहिए गा, सरकार लोकतंत्रियां होनी चाहिए है वा, इन्ना आदर्शवादी होना चाहिए है वा, वैल्यू बेस्ड रणनीति होनी चाहिए है। बट वो मतलब जी मॉडर्न व्यू पॉइंट्स वाले वेखते हैं कि एक्चुअली एज अ टाइम हूँ साड़िया सोशल पोलिटिकल की प्रॉब्लम्स आ उन्हों के हिसाब न हल किया जाए। एक एग्जाम्पल फिर मैं तुम्हें बेटा दे दिनी हाँ, जिमें अज तो 50-60 साल पहला जी है सी कांग्रेस सरकार की करती सी कि आप लोगों वादे कर दें तू फ्री आटा दाल स्कीम वगैरह रोटी कपड़ा जोड़ा है फ्री दिता जाएगा। बट हूँ कह लो 50-60% पंजाब तो खास करके कि लोग नहीं कहेंगे कि सानू आटा दाल रोटी जी फ्री दी जाए, लोग की कह रहे हैं कि सानू मैडिकल सहूलत विद्या ये चीज़ा फ्री कीतिया जा, ठीक है ना। हूँ जीडिया साड़िया हूँ के अकॉर्डिंग साड़िया सोशल पोलिटिकल प्रॉब्लम्स अलग ने ड्राफ्टर दैन मतलब जीडिया की जीडिया 50 साल तो पहला सी है। तो क्रेडो ऑफ रेलिवेंस की आ कि हूँ दिया एक्चुअल जीडिया क्या सोशल तो पोलिटिकल साइंस दॉब्स वेखते हैं उन्होंने हिसाब न ही पॉलिसी लैके आना चाहते हैं। Opposite to it, the supporter of the modern viewpoint of political science laid emphasis that there are subjects which do not contribute to the understand and solve the present day problems. There is no utility of study of the such subject. Okay, देखे जड़िया में चीज़ा साढ़े मतलब हूँ दिया प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सकती है, ठीक है, तो उस थ्योरी को अपनाने की जरूरत नहीं। फॉर दिस रीजन जो पढ़े लिखे लोग ने वह बार बार कह रहे हैं साड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजस वगैरह कीतिया जा, ठीक है, जो 70 साल पहला बनिया संविधान वो उसके अकॉर्डिंग से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग से, बट हूँ की डिमांड्स ने उस हिसाब से साडा जिहड़ा कि उहदे विच उह गल्लां ऐड करनिया चाहिए, उसनों बोलिया क्रैडो ऑफ रेलिवेंस। फिर भी बड़ा ना समझ लगे कुछ पॉइंट्स का तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं तुम्हें फिर दोबारा तो इनू विस्तारपूर्वक समझा सकती है कले कले पॉइंट्स तो। नैक्सट है बेटा पावर इज इट्स सेंटर पॉइंट। द मॉडर्न थिंकर लाइक मार्क्स वैबर हो गया, कैटलिन हो गया, होर जे है रॉबर्ट डाल वर्गे वो केंद्र आ कि मेड पावर सेंटर टू द स्टडी ऑफ द पोलिटिकल साइंस, कि पोलिटिकल साइंस की जिनी भी स्टडी आ किस के द्वारे स्टडी करती है पावर है, कि जिनी भी जिन्या पोलिटिकल पार्टीज चल दिया ने ऑर्गनाइजेशन चल दिया ने कुछ भी ऑफिस जी ब्यूरोक्रेसी आ कुछ भी आस के आले दुआले ने सारिया पावर हर कोई पावर्स जी वेन करना चाहता यो इसी स्टडी है। ईवन के घर में माहौल वेख लो जड़ा भी होएगा
मतलब हर एक कुछ जड़ा डोमीनेट होएगा फाइनैशियल तौर पर फिजिकली तौर पर या कुछ भी किसी भी तरह उसे को घर ज़्यादा पावर्स होंगी तो वह हमेशा कोशिश करेगा कि मेरे को ही पावर ए बरकरार रहे। तो पोलिटिकल साइंस इस सारी चीज़ की स्टडी वगैरह करते हैं कि कोई पावर किदा हासिल करता है तो की स्ट्रगल वगैरह चलती है तो कैवें वह अपनी बरकरार रखता है। ठीक है, फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज वगैरह हरेक थान पर पावर की गल जरूर चलती है। ठीक है, नैक्सट है नॉर्मेटिव एस्पैक्ट। टू बिगिन विद द मॉडर्न पोलिटिकल साइंस हैलेट एम्फेसिस द मेड पोलिटिकल साइंस वैल्यू फ्रेम। पहला तो जो स्टार्टिंग पोलिटिकल साइंस वाली आई सी मॉडर्न पोलिटिकल साइंस साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कहा कि साड़ी पोलिटिकल साइंस जी है वैल्यू फ्री होनी चाहिए है असी कोई भी पुरानिया रसमों रिवाजों पोलिटिकल साइंस नहीं मानते हैं। देवर ऑफ द ओपीनियन दैट इट शुड बी कंसर्ड विद द पोलिटिकल इफेक्ट द एंड इट शुड बी हैव नथिंग टू डू विद द वट आउट टू बी बट सून दे रिलाइज जल्दी उन्होंने रिलाइज किया कि नहीं खोज जड़िया है असी वैल्यूज नू अपना चाहिए। जो असी कह दिए कि राज सरकार बना तो लोगों बारे सोचने ना है ना स्टेट वैलफेयर होवे ना लोगों के कल्याण बारे गल करे ना तो यह भी पॉसीबल नहीं है। ठीक है ना कि सानू अजे भी कुछ ना कुछ जड़िया है वैल्यूज़ नू अपना पैंदा यानी कि अजे भी असी नॉन वायलेंस नू पसंद कर रहे हैं अजे भी असी चाहते हैं कि हाँ कि जड़े लोड़वंद ने नीडी पीपल है उन्होंने कुछ ना कुछ जड़िया गया बेसिक नीड्स वगैरह जरूरत पूरिया कीतियां जान। ठीक है, नॉर्मेटिव एस्पैक्ट वगैरह कि फस्ट ऑफ ऑल वो वैल्यू फ्री स्टडी करना चाहते सन बट दैन आफ्टर सून ही उन्हें रिलाइज किया कि कुछ चीज़ों जो असी वैल्यू फ्री वगैरह नहीं कर सकते वैल्यूज वगैरह को अपना पेगा। ठीक है, कंकलूजन की है आफ्टर द रीडिंग द अबव रिटन करैक्टरिस्ट कह लो नेचर कह लो बेटा of the nature of the political science view of political science we can say that the supporter of the modern viewpoint of the study political science have tried to make a study behaviorist jehde points jinne bhi tusi points padhe unna nu include kar dena empirical value free interdisciplinary and scientific etc as a result of which the subject matter of its have become as wide for this reason jada hega modern view points da jada subject da oh bahut jyada wide ho chuka hai। I hope tanu topic samajh aa gaya hovega in case phir bhi koi cheez na samajh aayi hove te main bar bar keh rahi haan tusi comment box vich likh sakde ho। thank you and please jekar koi होर वीडियो चाहिए तुसी लिख सकते हो तो प्लीज़ चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो लाइक तो शेयर जरूर करो। थैंक्स बेटा।